हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम अमन है, अमन सिंह। मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी ये प्लानिंग है कि मुझे एक गारमेंट्स का एक बिजनेस करना है, तो आप मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि मैं किसी ब्रांड का एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन करूँ या फिर मल्टीपल ब्रांड करूँ, मतलब किस तरीके से, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप गाइड कीजिए थोड़ा। अमन जी, पहले तो आप एक राइट प्लेस पर आए हो, उसके लिए धन्यवाद आपका कि आपने बिजनेस करने का आइडिया आपके माइंड में आया और आपने गुरुकुल का संपर्क किया है। गुरुकुल कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से लोगों को हेल्प करती है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और आप अगर एक बिजनेस में आना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा आपके बारे में, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो धंधे वाला होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप धंधे में काम करोगे तो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाओगे। तो आप इससे पहले करते क्या थे? इसके पहले सर मैं जॉब करता ओके, कहाँ पर जॉब करते थे? था, मतलब गारमेंट्स की एक शॉप थी ओके, जिनका मतलब मल्टीपल स्टोर था, मतलब मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट वो रखते थे, तो उसमें मैंने 2 साल काम किया। तो ओके, उसी के बारे में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी है कि उसी का बिजनेस करूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कोई भी पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड है उसका एक्सक्लूसिव स्टोर लूँ, या फिर मैं कोई एक ऐसा स्टोर ओपन करूँ जिसमें मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट मैं रख सकूँ। तो वो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मतलब किस तरीके से मैं करूँ। तो इस पर्पज़ से आपके पास आया हूँ कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मतलब कैसे मैं करूँ, किसमें जाऊँ, क्या बेटर रहेगा। मार्केट के अंदर क्या होता है, दो तरीके से चीजें होती है। एक होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक ब्रांड हो, और दूसरा कि आप जो जिस नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसकी एक ब्रांड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो रिलायंस एक ब्रांड है। सही है तो सर। रिलायंस का जब मॉल स्टार्ट होता है तो लोग ये नहीं देखने जाते हैं कि वहां पर कौन सी प्रोडक्ट आने वाली है। लोगों को बिल्कुल क्लियर होता है कि ये ब्रांड है तो वहां पर वही चीजें अवेलेबल होंगी। यस। और दूसरा कि जो लोकल के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो खुद ब्रांड नहीं होते। तो गांव कस्बे के अंदर आपने देखा होगा कि उनका खुद का एक पेड़ियों का नाम होता है जो 3-4 पीढ़ी से चल रहा होता है। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके वहां जो चीजें रखी होती है ना वो सारी ब्रांडेड होती है, जिसकी ओके क्लोथिंग के अंदर अपनी खुद की एक ब्रांड बनी है। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो नाम रखना चाहते हो अपने फॉर्म का, क्या उसको आप ब्रांड बनाना चाहते हो या ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है उसी को लेकर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मेरी सलाह ये होगी कि आने वाले 5 साल का या आने वाले 10 साल का सबसे पहला ये स्टार्ट करने का आपका विजन क्या है। मेरा विजन ये है सर कि मुझे मतलब एक जैसे एक फ्रेंचाइजी चैन होता है, एक मल्टी मतलब स्टोर चैन होता है। तो मेरा एक प्लानिंग है कि 5 सालों के अंदर कि मैं राजकोट के अंदर लगभग 15 स्टोर ओपन करना चाहता हूँ। ओके, बहुत हाँ, बढ़िया। अब ये कन्फ्यूजन ये है सर कि जैसे आपने बताया सर कि एक होता है कि हमारा खुद का ब्रांड हो, कि मैं कोई भी जो शॉप बनाऊं उसको खुद उस लेवल का मार्केटिंग, उस लेवल का ब्रांडिंग करूं कि उसको एक ब्रांड बनाऊं, या तो फिर क्या है कि जो ऑलरेडी ब्रांड है उनकी मैं फ्रेंचाइजी ले लूं। यस, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेरा प्लानिंग तो यह है कि मैं कोई भी मैं जाऊं, तो मेरा ये प्लानिंग है कि मैं राजकोट के अंदर लगभग 15 स्टोर ओपन करना चाहता हूँ। ये 5 साल का मेरा विजन है। बहुत बढ़िया। आपका विजन है और उस विजन के अंदर ऑलरेडी हमने काम किया हुआ है, क्योंकि रिटेल के साथ जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांड है उन सब लोगों के साथ जब हमने काम किया था तो पहला उनका माइंडसेट यही था कि उनको अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को उनको मेंटेन करना है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस आप दे रहे हो, और उस एक्सपीरियंस को लेकर जब कस्टमर जा रहा है तो वो मार्केट में क्या बताना चाहता है। जैसे कि टाटा कंपनी की अगर मैं बात करूं और उसने एक ब्रांड लेकर आया है जुडियो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जुडियो ब्रांड को लाने का उनका पर्पस ही था कि इनको ये इकोनॉमी में लेकर जाना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही चीज का ध्यान रखा है कि रेट जो है वो कम रहेगा, मतलब उनका फोकस ही है कि 199, 299, 399 का ज्यादा से ज्यादा 999, उससे ज्यादा की प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। और उन्होंने क्या किया, वही चीज को बल्क के अंदर लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचाया, और उनका क्वार्टरली जो है वो स्टॉक जो है वो घूमता रहता है। और वही घूमने के कारण उनका होता ये है कि उनकी ऑडियंस जो है वो मास ऑडियंस है, और उस मास ऑडियंस के कारण उनकी जो प्रोडक्ट है वो तुरंत की तुरंत सेल होती है।
तो उनका स्टॉक जो है वो रिकवरी जल्दी जल्दी होता रहता है। और उसी के सामने अगर मैं बात करूँ पेंटालूम्स की या और कोई ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, तो उन लोगों का क्या होता है, पूरे साल का उन्होंने जो खरीदा हुआ होता है उसमें पर्टिकुलर जितनी उनकी पीक सीजन होती है जहां पर वो अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट तो सेल करते ही है, लेकिन बाकी के टाइम के अंदर वो स्पेशल डिस्काउंट प्लान करते हैं। और वो डिस्काउंट प्लान करने का उनका पर्पस ये होता है कि उनका डे स्टॉक जो है ना वो पूरा, और उस डे स्टॉक को पूरा करने के लिए वो करते ये है मेंबरशिप ऑफर करते हैं। और वो मेंबरशिप ऑफर करने का पर्पस इनका ये होता है कि जब भी उनके पास नया स्टॉक आए तो सबसे पहले उस मेंबर तक वो पहुंचे जिससे उनको ब्रांडेड चीजें नहीं मिले, और दूसरा जब भी प्रोडक्ट की प्राइस लेस हो उस टाइम पर भी कस्टमर को फायदा हो उसके लिए वो उनको अवेयर करें। तो आपको खुद को अगर मल्टीपल ब्रांड में अगर जाना है या मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स के अंदर जाना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक स्टोर जो आप प्लान करने के लिए जा रहे हो तो उसका ब्रांडिंग बढ़िया लेवल पर होना चाहिए, और उसके पीछे का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर से कैलकुलेट होना चाहिए। क्योंकि पहला वाला सेगमेंट अगर आपने सही प्लेस कर दिया और उसका अगर मार्केट के अंदर एक अच्छा रिजनेस चला गया तो उसका कॉपी पेस्ट करने में फिर टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट हमारा काम ही ये होता है कि सबसे पहले एक अच्छा प्रीमाइसिस आपको सिलेक्ट करने में हम आपको हेल्प करते हैं, उससे भी आगे एक सही बिजनेस मॉडल तैयार करने में हम आपको हेल्प करते हैं। और ये सही बिजनेस मॉडल तैयार आपका तब होता है कि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हो तो सबसे पहले जो विजन आपने बोला उसको हम डॉक्यूमेंट्री करने का काम करते हैं। उस विजन के अकॉर्डिंग आपके साथ काम करने वाले वैसे लोग भी होने चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एक आउटलेट संभाल पाओगे, दो संभाल पाओगे, 15 जगह आप थोड़ी बैठोगे। तो आपको 15 ऐसे लोग चाहिए जिनका माइंडसेट ओनर वाला, जो खुद का समझकर आपके साथ जुड़े, और उनका फ्यूचर का पर्पस भी ये होना चाहिए कि वो खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो जिससे फायदा ये होगा कि ऐसे माइंडसेट वाले लोग जब आपके जुड़ेंगे तो एक अच्छी टीम बनेगी, और जब एक अच्छी टीम बनती है वो टीम से ही आप अपने धंधे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। जब टीम आती है फिर जरूरत होती है उनको सिस्टम की, क्योंकि आज अगर आपके साथ कोई भी बंदा जुड़ेगा प्रोफेशनल बंदा तो वो 5 साल में उसका फ्यूचर मांगेगा कि मेरा ग्रोथ क्या, और 5 साल 10 साल का फ्यूचर का प्लान अगर आपने उसको बेहतर ढंग से बता दिया तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। और ये लाइफ टाइम रहने के पीछे का पर्पस ये है कि उनको टाइम टू टाइम ग्रोथ उनका दिख रहा है। अब ये सारी चीजों को अगर सिस्टमेटिकली लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हर बंदा जो अभी आपके साथ जुड़ रहा है उसको 5 साल के बाद आप क्या दिखाना चाहते हो वो फ्यूचर का प्लान वहां पर क्लियर होना जरूरी है। फिर बहुत सारे लोगों को ये भी चैलेंजेस होती है कि सर अच्छे लोग मिलेंगे कैसे या अच्छे लोगों को लाएंगे कैसे, तो सिंपल है, अच्छे लोगों को लाने के लिए उनको एक प्रोसेस से गुजारना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल आउटलेट करना चाहते हैं लेकिन एचआर पॉलिसी उनके वहां होती नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम उनके पास होता नहीं है। तो सिस्टम का एक्चुअल मतलब ही होता है कि जो आपके दिमाग में है आपके बिजनेस को ग्रो करने का माइंडसेट, उसी चीज को ऑन पेपर लेकर आना, और ऑन पेपर जब वो चीजें आती है तो उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में हम आपको हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा ग्रोथ प्लान जो है वो हम आपके साथ रहकर आपके साथ जुड़कर प्लानिंग भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू सर कि आपने हमें सजेस्ट किया, तो मुझे ये क्लियर हुआ सर जो चीजें आपने बताई कि मुझे अगर मल्टीपल स्टोर ओपन करने हैं 5 सालों के अंदर, जो हमारा विजन है कि मुझे राजकोट के अंदर 15 स्टोर ओपन करने हैं, तो उसमें सर आपने मुझे जो सजेस्ट किया उसके लिए थैंक यू कि मुझे खुद का ही शॉप ओपन करना चाहिए, उसको ब्रांड बनाना चाहिए। यस, तो पहली चीज तो मुझे क्लियर होगा कि भाई मुझे खुद का ही ब्रांड ओपन कर, खुद की शॉप ओपन करना, उसको ब्रांड लेवल पे मतलब एक ब्रांड जो है उसको बनाना है। अब दूसरा सवाल यह है सर कि जैसे आपने बताया कि एक लोकेशन होना चाहिए, तो लोकेशन में क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, अगर मुझे एक स्टोर ओपन करना है तो लोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, और हमें अगर लोकेशन चूज करना तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो थोड़ा सा वो मुझे गाइड कीजिए।
लोकेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो रहते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट कौन है। क्योंकि होता यह है कि कोई भी सिटी में आप चले जाओ या कोई भी स्टेट में आप चले जाओ, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उन सब लोगों की इकोनॉमी अलग अलग होती है। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आप जो ब्रांड मार्केट में लेकर लाना चाहते हो उसकी प्राइसिंग क्या होगी और उस प्राइसिंग के अंदर आपके टारगेट कस्टमर कौन होंगे। क्योंकि आपके टारगेट कस्टमर जो होंगे उनको जो इजीली रहेगा जहां पर अवेलेबल होना, उस जगह पर अगर आप प्लेस करते हो तो अच्छी तरीके से आप मार्केट को कवर कर पाओगे। जैसे कि रिटेल की अगर आपने बात की तो सब जगह पर आपको पता ही होता है कि एक बाजार होता है और वो पर्टिकुलर रिटेल का ही होता है। तो उस रिटेल के बाजार के अंदर जब अगर आप नेम का प्लेसमेंट किया तो वहां पर ऑलरेडी ऑडियंस आ रही है, उन्हीं को आपको एंटरटेन करना है। और अगर आप उसको मल्टीपल के अंदर लेकर जाना चाहते हो तो बहुत सारे मॉल्स वगैरह बने हुए होते हैं, उस मॉल के अंदर भी आप अपने ब्रांड को लेकर जा सकते हो क्योंकि वहां पर भी ऑलरेडी ऑडियंस जो है वो आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जॉब करने वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, बिजनेस करने वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, सुपर रिच को टारगेट कर रहे हो, तो किस तरीके की आपकी प्रोडक्ट है उस तरीके का प्लेसमेंट आपकी जगह का हम फाइनल करेंगे। मतलब जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है और हमारे टीजी हैं, yes. उसके हिसाब से हमें लोकेशन जो है वो रखना चाहिए। yes. okay, sir. अब दूसरा ये सवाल है, अगर आपकी कंसल्टिंग फॉर्म है सर, जैसे मैंने सुना कि आप बिजनेस कंसल्टिंग करते हो, तो क्या आप हमें लीगल में भी हेल्प करते हो कि मतलब कि जैसे नाम चूज करने में क्या नाम होना चाहिए लोगों, तो उसमें भी आप लोग? डेफिनेटली सर। okay. क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को जब शुरू करना होता है तो मुझे इतना पता है कि जितना उसको बड़ा होना है उसका ही उतना रूट्स जो है वो उतने स्ट्रांग होने जरूरी है। तो आज अगर आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, 5 साल का विजन आपने बताया कि 15 आउटलेट आपको करना है, मतलब आने वाले टाइम में जब 50 साल हो गए या 100 साल हो गए तो नेक्स्ट जनरेशन को भी आप ये बिजनेस लेकर जाना चाहोगे। और अगर नेक्स्ट जनरेशन तक अगर आपको ये बिजनेस को लेकर जाना है तो उसको सिक्योर करना भी जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं और हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो भी चुका है कि उनकी एक छोटी सी गलती लीगली प्रोसेस न करने के कारण उनका बना बनाया बिजनेस ठप हो गया। और ये होने के सबसे पहला रीजन ये था कि उन्होंने सबसे पहले तो एक ब्रांड लेवल का नाम सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल ब्रांड में अपने काम की शुरुआत की। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब नहीं करवाते हैं तो आगे जाके दिक्कत ये आती है कि जब आपकी ब्रांड बन जाती है ना तो आप ही के नाम से कॉम्पिटिटर लोग तैयार हो जाते हैं और वो कॉम्पिटिशन में आपके साथ जब उतरते हैं तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पहले ही दिन से लीगली प्रोसेस जब आपने की होती है, लीगली प्रोसेस के अंदर होता क्या है नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँ तो लीगली प्रोसेस के अंदर सबसे पहला होता है आपकी पेड़ी का नाम, कंपनी का नाम। उस कंपनी को आपको डिसाइड करना होता है कि प्रोप्राइटरशिप में प्लान करना है, पार्टनरशिप में प्लान करना है, LLP में काम प्लान करना है या प्राइवेट लिमिटेड में प्लान करना है। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिर आपको ये देखना है कि जो नाम आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका सबसे पहला निकलेगा पान कार्ड। वो पान कार्ड निकलने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा और आपकी पेड़ी प्लान होगी। उस पेड़ी का प्लान फाइनल होने के बाद फिर आपका एक लोगो बनेगा और वो लोगो एक ऐसा आइकॉन होना चाहिए जो आपके पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। और वो पूरे बिजनेस को जब रिप्रेजेंट करने वाला हो जाए और आपको सेटिस्फेक्शन आ जाए, फिर उसका 10 साल के लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है जहां तक अपने लोगो को आप रजिस्ट्रेशन करते हो और उसके बाद उसको रिन्यू करवाते हो। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो 6 महीने से लेकर साल भर तक चलती है, क्योंकि ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लेना होता है। फिर आपका जिस फील्ड का बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ लीगली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप जिस सिटी में रहते हो उसके कुछ लीगली जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको कंप्लीट करनी होती है। और इसके लिए ये रहता है कि हमारी एक पूरी लॉबी, जिस लॉबी के अंदर CA का एक पार्ट आता है, तो CA लोग जो होते हैं इनकी ये एक्सपर्टाइज होती है। तो कुछ जगह पर ऐसे लोगों का हम रेकमेंड आपको करते हैं कि जो आपके साथ जुड़कर ये सारी लीगली प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको सपोर्ट करें। तो ये भी हम करते हैं शॉर्ट में अगर मैं आपको। अब सवाल ये है सर कि जैसे
आपने तो सवालों का मुझे जवाब दिया, एक तो पहले कि मुझे किस में जाना है, दूसरा लीगल में भी आप सपोर्ट करते हैं। अब ये सवाल है कि सर अभी हम टीम को लाए कैसे, मतलब टीम को कैसे डेवलप करें। जैसे मान लो मैं पेपर ऐड दे के, या बहुत सारे प्लेसमेंट कंपनीज हैं कि जहाँ से मैं मैन पावर हायर तो कर सकता हूँ, लेकिन उनको सस्टेन कैसे किया जाए, उनके लिए क्या सिस्टम है, वो थोड़ा सा बताइए सर। क्या होता है, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो कंपनी पहले तो आपके माइंड में है और आपको पता है कि आप कैसी कंपनी बनाना चाहते हो। और स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं क्योंकि आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जब तक आपने प्रैक्टिकल उन चीजों को किया ना हो। तो जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको उनका फ्यूचर दिखाना होता है, और वो फ्यूचर दिखाने के लिए सिंपल वे में मैं अगर बोलूं तो आपको अपने सपने उनको बेचने पड़ेंगे कि आप जो पिक्चर आपकी कंपनी को लेकर देख रहे हो क्या वो पिक्चर आप लोगों को दिखा पा रहे हो। अगर वो लोगों को वो पिक्चर दिखाया तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या करके दोगे जब वो किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में होना ये चाहिए कि आप उनको क्या करके दो। क्योंकि सिंपल चीज है, अगर आज मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं कोई जगह पर ऐसा मैनेजर काम कर रहा हूँ, मेरी 50,000 महीने की तनख्वाह, तो उस तनख्वाह को छोड़कर मैं आपको 5 साल क्यों दूँ। अगर वो 5 साल का विजन अगर आपने मुझे दिखाने में अगर कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो लोगों को जब आपको लेकर आना होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले हमें कौन सी कैटेगरीज के लोग चाहिए तो उसका एक डेटाबेस हमें तैयार करना होता है। जैसे शादी अगर हमें करनी होती है तो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हमें कैसी लड़की चाहिए। घर अगर हमें लेना हो तो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हमें किस तरीके का घर चाहिए। गाड़ी लेनी हो तो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हमें पता होता है कि किस तरीके की गाड़ी हम पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से जो टीम मेंबर आप अपनी कंपनी में लाना चाहते हो आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरीज का बंदा मुझे चाहिए, उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, उसकी विल क्या होनी चाहिए, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके ड्रीम्स क्या होने चाहिए। अगर ये पहले से सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो वहां पर आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। फिर पेपर एड जो आपने बोला वो, या टीवी के अंदर एड अगर दे दिया वो, या अलग अलग जो कंपनियां काम कर रही है उनके साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो उसके बाद उनकी इंटरव्यू प्रोसेस की जाती है। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आप हमारे साथ स्टार्ट करोगे तो ये सारी प्रोसेस को करने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपके साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आपको बोल दिया और आपको खुद को करना है, वो करने में भी हम आपके साथ होंगे। जैसे कहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है, कहाँ से आपको लोगों को लेकर आना है, अगर लोग आपके वहां आ रहे तो उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे लेना है, टेलीफोनिक इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद 1-to-1 इंटरव्यू कैसे लेना है, और 1-to-1 इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल इंटरव्यू कैसे लेना है, ये पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहते हैं। उनका क्या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उनके रिज्यूम को स्कैन किस तरीके से करना है, उनको सवाल किस तरीके से पूछने हैं, और किस तरीके से उनको हमारे साथ हमें जोड़ना है, ये पूरी प्रोसेस गुरुकुल कंपनी आपके साथ रहकर करेगी। अब सर एक सवाल और है कि मुझे जैसे मेरा, मैंने आपको विजन बताया सर, विजन मैंने आपको शेयर किया कि 5 साल का मेरा ये विजन है कि मुझे 15 आउटलेट ओपन करने हैं, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मुझे 15 आउटलेट ओपन करने हैं, लेकिन वो कैसे किया जाए वो मुझे ऑन पेपर समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप उसमें भी आप हमें गाइड करोगे? सर पिछले 8-10 साल से हम यही काम कर रहे हैं और हमें यही लगता है कि ऊपर वाले ने शायद हमें इसी चीज के लिए बनाया है। तो आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी 5-10 हज़ार लोगों को ग्रो करने में मदद की है। तो जितने भी लोगों को हमने मदद की है आज उन लोगों का एक एग्जाम्पल हमारे साथ पहले से तैयार है। जैसे कि एक केस स्टडी से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी। रिटेल आउटलेट के साथ काम करते हुए एक पर्सन हमारे साथ मिले थे जो सूरत के अंदर हमारे साथ जुड़े थे। उनका उस टाइम पर एक छोटा सा रिटेल आउटलेट उनका खुद का ही था और वो खुद उनके रिटेल आउटलेट को चला रहे थे। उनका पर्पस भी ये था कि ये मल्टीपल,
अब ये मल्टीपल करने के लिए उनको क्लियरिटी ये नहीं आ रही थी होगा कैसा। तो हमने उनको यही क्लियर किया कि जब तक आप एक रिटेल आउटलेट से फ्री नहीं होगे दूसरे तक आप नहीं जा पाओगे, और दूसरे तक अगर आपको जाना है और पहले से अगर आपको फ्री होना है तो उधर आपको देना पड़ेगा सिस्टम, क्योंकि काम जो होता है वो सिस्टम के हिसाब से होता है, लोग जो है वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपको और मुझे नहीं। तो एक रिटेल आउटलेट फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया, उसको रेगुलर चलाना हमने शुरू किया, वहां पर काम करने वाले लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्लियर किया, वहां सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है उसका एसओपी हमने तैयार कर दिया, और वही एसओपी जब लोगों को हमने थमाया और लोगों को बोला कि यही सिस्टम से आपको इसको चलाना है, और वहां पर एक बंदे को आपने अपॉइंट करके रख दिया एज अ मैनेजर जिसका काम रहेगा रोज का काम चेक करना और उसका फाइनल रिपोर्ट आपको देना, तो उस जगह से आप कंप्लीटली फ्री हो जाओ। और ऐसे भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, ऑनर खुद जब काम कर रहे होते हैं तब जितना ग्रोथ उनको मिलता है उससे ज्यादा ग्रोथ उनके टीम मेंबर लाकर उनको देते हैं, ये वाला एक्सपीरियंस भी हमें मिले। एक्चुअली मेरा प्लानिंग ही है सर, अब आपके साथ मिलने का और आपके साथ जुड़ने का प्लानिंग ही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जैसे मेरा प्लानिंग है कि भाई मेरे इतने स्टोर ओपन होने चाहिए, तो जैसे बहुत अच्छी आपने बात बोला कि अगर एक ही स्टोर अगर मेरे बिना नहीं चलता तो मैं 15 स्टोर कैसे कर सकता हूँ। तो मेरा यही प्लानिंग है कि आपके साथ मैं जुड़ूँ और मेरा पहला स्टोर मेरा सिस्टमेटिक चले। तो थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए सर कि सिस्टम में क्या क्या बिल्ड करना होता है अगर हमें अपनी कंपनी जो है ऑटोमेशन में चलानी है। सिस्टम में अगर बिल्ड करने की बात करूं तो सिस्टम का मतलब ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कंप्यूटर वगैरह लाकर रख दो और उसके अंदर सिस्टम वगैरह डाल दो इसका मतलब सिस्टम आपके सेट हो गए, ऐसा नहीं होता। सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी अस्पताल के अंदर अगर आप जा रहे हो तो एक होता है सरकारी एक होता है प्राइवेट, तो जब आप प्राइवेट के अंदर जाओगे तो आपको एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा। जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हो और जब आप प्लेन के अंदर बैठते हो तो आपको खुद को पता चलेगा, उनकी खुद की एक सिस्टम बनी हुई है तो उस सिस्टम को फॉलो करके हमें चलना होता है। उसी तरीके से अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो घर खरीदने के लिए जा रहे हो तो जब जब आप प्रोफेशनल लोगों के संपर्क में आओगे तो आपको वो एक सिस्टम से गुजारेगा, और बाकी जो लोग काम करने वाले होते हैं वो अपनी मनमानी के हिसाब से करते हैं, वो मूड के हिसाब से करते हैं, तो उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, वो खुद एक सिस्टम। तो कंपनी को अगर बेहतर लेवल पर अगर हमें डेवलप करना है तो हमें अपने आप को पीछे रखना पड़ेगा, सिस्टम को आगे करना पड़ेगा। और सिस्टम को आगे करने का मतलब क्या है, वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, एक बेसिक सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे रिटेल के अंदर हम जाकर ऑनर को ही पकड़ के पूछते हैं यहाँ के ऑनर कौन है, क्यों, क्योंकि टीम के और ऑनर के बीच में डिफरेंट ही नहीं पता चलता। ये बेसिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मॉर्निंग का ओपनिंग का एक सिस्टम, मॉर्निंग के अंदर प्रेयर करने का एक सिस्टम, मॉर्निंग के अंदर एक मीटिंग करने का एक सिस्टम, रोज का एक टारगेट लेने का एक सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के सिस्टम्स होते हैं जो जब आप अपने रिटेल्स के अंदर सेटअप करते हो तो प्रोडक्ट को परचेस करने का सिस्टम बनता है, अकाउंट को मैनेज करने का सिस्टम बनता है, रॉ मटेरियल को किस तरीके से मेंटेन करना है उसका एक सिस्टम बनता है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है उसका एक सिस्टम बनता है, कंप्लेंट आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन करना है उसका एक सिस्टम बनता है। मतलब हर चीज की एक पॉलिसी तैयार होती है और उस पॉलिसी को जब इकट्ठा किया जाता है तो एक एचआर बुक तैयार होती है, और वो एचआर बुक का मतलब ये होता है कि आज अगर इंडिया के अंदर हम है और इंडियन के संविधान के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम कायदे में रहेंगे और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसी तरीके से कंपनी जब सिस्टम से चलेगी और सिस्टम के हिसाब से काम करेगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, और उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बेसिक लेवल से लेके टॉप लेवल की सिस्टम बनानी होती है। बेसिक सिस्टम का मतलब ये हो गया ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करना है उसका एक सिस्टम बनेगा, और टॉप लेवल का सिस्टम अगर मैं बता दिया जाओ तो जितने भी डिपार्टमेंट है उस सभी डिपार्टमेंट काम करने के एसओपीस बनेंगे। उस एसओपीस को तैयार करने के बाद आपका एक ईआरपी सिस्टम बनेगा, और ये ईआरपी सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होगा तो उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हर बंदा काम करेगा जिसमें हर पर्सन का आईडी और पासवर्ड होगा।
तो इसका मतलब ये होगा कि आज एक नया बंदा भी अगर आया है, उसने अगर अपने आप को लॉक किया आईडी पासवर्ड के थ्रू आउट, उसको खुद को पता होगा कि उसको करना क्या है। और ये सिस्टम जब आपके वहां सेट हो जाता है तो आपकी वहां पर रोज जाकर बैठने की और सभी लोगों को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं। सर एक बहुत अच्छी चीज आपने सॉल्व की कि जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम तो फ्री होना चाहते हैं रूटीन से, लेकिन हमारे जैसे कोई अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिलता कि जिसके जिसको हम जिम्मेदारी दे सकें कि भाई आप जो है हमारे बिहेव पे हमारे रूटीन बिजनेस को चलाओ। तो उनको जैसे आपने बताया कि हम आप हायरिंग में भी हेल्प करते हैं, सारी चीज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सर कि हमारे यहाँ से बहुत सारे टीम मेंबर निकल के हमारे कंपटीटर बन जाते हैं, तो उसका क्या आप बताना चाहेंगे, उसका क्या सोल्यूशन? ये ज्यादातर प्रॉब्लम हमने देखा है एमएसएमई में काम करने वाले लोगों का, जिनका एक छोटा व्यापार होता है और उनका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि उनकी सोच भी उसी तरीके से छोटी होती है। हमारी बातें कुछ कड़वी होगी, लेकिन वो कड़वी बातें इसलिए हमें बोलनी पड़ेगी कि वही आपका सॉल्यूशन भी करेगी। क्या होता है कि आज अगर मैं बोलूं अच्छा इंसान अगर आप चाहते हो बिल्ड करना, तो सिंपल है, इस दुनिया के अंदर कोई भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखने के लिए जाओ, अच्छे इंसानों को तैयार किया जाता है। आज अगर आपको एग्जांपल पता हो, पता ही होगा डेफिनेटली, कि आज आर्मी के अंदर जितने भी लोग जाते हैं या आर्मी के अंदर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर जब लोगों को जाना होता है तो वो एक रो डेटा ही होते हैं। और रो डेटा का मतलब क्या होता है कि आर्मी में सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको सीधा बंदूक थमा के भेज नहीं दिया जाता है कि जाओ युद्ध करो। उसके बाद आपकी 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 5 साल की ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग के अंदर आपको हर चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाना है, चीजों को कैसे समझना है, किस तरीके की सिचुएशन आने वाली है, उन सबसे पहले से आपको बता दिया जाता है और वो ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जब आप तैयार हो गए होते हो तो एक इंसान, बोलते हैं ना कि 1 man army 100 होता है, कि एक बंदा 100 के बराबर हो जाता है। अब ज्यादातर लोगों का यहाँ पर रिटेल में प्रॉब्लम ये होता है, वो किसी भी बंदे को लेकर आ जाते हैं, सबसे पहले तो अपने नियर एंड डियर को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद दूसरी गलती ये कर देते हैं कि अपनी जान पहचान वाले लोग लेकर आ जाते हैं, और उनको क्या लगता है यही बंदा मेरे 15 आउटलेट तक मुझे लेकर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये भ्रम है जिसमें से आप जितना जल्दी बाहर आ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। आप चाहोगे कि आपका भाई आगे बढ़े, आप चाहोगे आपका कजिन आगे बढ़े, लेकिन क्या वो चाहता है आपके साथ आगे बढ़े? क्या उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है, तभी वो ग्रो हो पाएगा। तो पहले तो ये वाले भ्रम से हमें बाहर आ जाना है कि अच्छे लोग होते नहीं है, अच्छे लोग तैयार करने पड़ते। और अच्छे लोगों को जब तैयार करने के लिए आप जाते हो तो 3 महीना 6 महीना साल भर का टाइम देना होता है। दूसरे प्रोफेशनल लोग अगर आपको चाहिए, डायरेक्ट रेडीमेड लोग अगर चाहिए, तो वहां पर प्रॉब्लम यह आएगा, आपका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसका तनख्वाह 50,000, 75,000 या 1,00,000 रुपया महीने का हो तो वो बंदा फ्री में नहीं आएगा। और उस लेवल का बंदा जब आपके साथ काम करने के लिए आएगा तो उसकी कुछ डिमांड्स होगी जो आपको फुलफिल करनी होगी। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर लोगों को लेकर आते नहीं है क्योंकि हम खुद डरे हुए होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस खोकर कोई चला ना जाए या लेकर चला ना जाए। अब इस चक्कर के अंदर जिस बंदे को हम लेकर आते हैं हम उसको 100% तैयार कर देते हैं, मतलब हम अपना ही डुप्लीकेट बना देते हैं, और इस हद तक अपना डुप्लीकेट बना देते हैं उसको सब कुछ धंधे का पता चल जाता है कि माल आता कहाँ से है, उसके ऊपर प्रोसेस क्या किया जाता है, उसको बेचा कैसे जाता है, और उसके ऑपरेशन के बाद उसका मार्जिन वगैरह बचता क्या। तो एक सिंपल चीज है सर, आपके साथ मैं अगर काम कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ आपके धंधे के बारे में पता है, सब कुछ मैं आपके धंधे के बारे में जानता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको टाइम क्यों दूँ या मैं आपके साथ क्यों जुड़ कर काम करूं? अगर मैं खुद कैपेबल हो गया हूं तो मैं खुद का क्यों ना करूं? क्योंकि आज के टाइम के अंदर वो माइंडसेट वाले लोग बहुत कम हैं जो लॉयल होके एक ही कंपनी में जुड़ कर पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आज हर दूसरा इंसान खुद का कुछ करना चाहता है,
तो आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा नहीं, और आप अगर उसको अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं तो वो बंदा आपका कॉम्पिटिटर ही बनेगा, और वो कॉम्पिटिटर आपने खुद ने तैयार किया है। क्यों? क्योंकि उस कॉम्पिटिटर को तैयार करने के बाद उसको जो मौका मिलना चाहिए था वो आपके वहां नहीं दिख रहा है। तो बंदे ने सोचा कि मैं मेरा यूटिलाइज मैं अपने ऊपर क्यों ना करूं, क्यों दूसरी जगह करूं, तो उससे वो ज्यादा अर्न करेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, किसी भी पर्सन को, आपको भी बता रहा हूँ, किसी भी पर्सन को 100% हर चीजों में तैयार आप मत करो। ज्यादातर लोगों की गलती ये होती है कि एक ही बंदे को लाकर उसको सभी तरीके से वो तैयार करते हैं, और यहाँ पर ही वो अटक जाते हैं। आपको करना ये है कि आपका पूरा बिजनेस अगर 100% में चल रहा है, जहां पर अकाउंटिंग आ गया, परचेस आ गया, सेल्स आ गया, मार्केटिंग ब्रांडिंग आ गया, तो इन चार पार्ट को अलग अलग भाग में डिवाइड करो, और ऐसे चार लोगों को आप लेकर आओ जिनको 25% के अंदर 100% तैयार करो। मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर बढ़िया लेवल पर लेकर जाओ, लेकिन एक डिपार्टमेंट के बंदे को पता ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। और ये वाली सिस्टम जब आपने सेट कर दी, और इसके अंदर आगे जाकर अगर आपने डेप्थ बिल्डिंग करना शुरू कर दिया, डेप्थ बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि एक बंदा जब 100% तैयार हो जाए तो आपको वहां रुकना नहीं है, दूसरे बंदे को तुरंत तैयार करना शुरू कर देना है। दूसरे बंदे को तैयार नहीं कर पाते हैं, और दूसरे बंदे को तैयार न करने के कारण हम उसी बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जिस दिन आपके बंदे को ये पता चल गया ना कि आपका जो मालिक है वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो अपनी मनमानी करना शुरू करेगा, और आपको उसकी हर मनमानी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए तो इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ तो खेलने वाले लोग कितने होते हैं पता ही है आपको, 11, लेकिन लेकर कितने को जाएंगे, 16, 17, 18 को। कबड्डी अगर आप खेले हो तो आपको पता है खेलने वाले लोग होते हैं 7, लेकिन वो बाकी लोगों को लेकर जाता है अवेजी में। तो ये क्यों होना चाहिए? तो वही चीज आपके धंधे में भी लागू पड़ती है कि अगर आपके टॉप के लोग अगर किसी भी कारण अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं है तो बाकी लोग आपके साथ जुड़कर आपके बिजनेस को सपोर्ट करके आगे लेकर जाए। और इसको बोला जाता है हायरार्की स्ट्रक्चर, जिसी के लिए हम आपके साथ जुड़कर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और हर बंदा जब रेडी होना शुरू होता है तो उसके नीचे एक नए बंदे को तैयार करते हैं। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, नहीं तो जो चैलेंजेस आपने बोली वो आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की है।